देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। अभी तो बरसात ठीक से भी नहीं आई है, इससे पहले ही टूटने लगी पुलिया। यह मार्ग राधोगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में आता है। रोटिया से बिजुपुर जाने वाले मार्ग पर अभी कुछ दिन पहले ही डामरीकरण हुआ था, लेकिन थोड़ी सी ही बरसात के पानी में इस मार्ग में पड़ने वाली पुलिया धराशायी हो गई, जिससे कि आवागमन के मार्ग में परेशानियां आने लगी। अभी तो ग्रामवासी इस मार्ग से निकलना चालू ही हुए थे, उससे पहले ही यह मार्ग बंद हो गया। यह रोड पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा था। जैसे ही इस मार्ग का डामरीकरण हुआ तो लोगों की खुशियां बढ़ गईं। उनको काफी दूर के रास्ते से जाना बच गया था, लेकिन थोड़े से ही बरसात में इस मार्ग पर बनी पुलिया टूट गई, जिसका अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। ग्रामीण लोगों का कहना है कि बरसात के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। यह रास्ता हमारे लिए सरल रास्ता था, अब यह भी बंद सा हो चुका है। आखिर क्यों जिम्मेदार विभाग नहीं ले रहा अपनी जिम्मेदारियों का बोझ? लोगों का दुख दर्द इनको क्यों दिखाई नहीं देता? आसपास के लोगों ने नाराज होकर विधायक द्वारा शिलान्यास किया गया था, उस बोर्ड को भी खरोंच दिया गया। लोगों का कहना है कि ये रोड बहुत ही घटिया तरीके से बनाया गया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रोड के दोनों ओर बिल्कुल भी साइडें नहीं बनाई गई। पता नहीं इस रोड को विभागीय इंजीनियर ने किस तरीके से पास कर दिया। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष बाद हमें रोड की सौगात मिली थी, क्या पता इस पर भी हमारे साथ धोखा हो जाएगा। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी सौरभ जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ रही महिला दुष्कर्म एवं अत्याचार की घटनाओं को देखते हुए एवं हाल ही में मंदसौर में हुई 7 वर्षीय बालिका के साथ हुई घटना के विरोध में आज राधोगढ़ नगर में महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में मार्च निकाला गया। यह मार्च नगर के मुख्य मार्गो से होता हुआ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोपी इरफान उर्फ भयू को फांसी की सजा एवं यह मामला फास्टर कोर्ट बनाकर 15 दिवस के अंदर निर्णय लेने एवं अत्याचार एवं दुष्कर्म के मामलों में नया कानून बनाए जाए। इस ज्ञापन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फुले ब्रिगेड के माली समाज के समस्त पार्षदगण, उपभोक्ता कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं NSUI सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। समीक्षा बैठक में लोकसभा संगठन प्रभारी पहुंचे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति तथा बूथ लेवल स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट निकाल चुकी है तथा दूसरी लिस्ट 6 जुलाई को निकाली जाएगी। आज इसी को लेकर इस बैठक को रखा गया।
पास आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी हो चुकी है, 20 नाम फाइनल हो गए। दूसरी लिस्ट 6 तारीख को ग्वालियर में होना है, उस संदर्भ में हमने मंडल अध्यक्षों की और वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक रखी हुई है, जिसमें हमारे ग्वालियर प्री लोकसभा संगठन प्रभारी श्री जयंत सिंह सोमल सिंह जी आए हुए हैं। ये प्रत्याशी चयन प्रक्रिया की एक प्रक्रिया है, जिसमें ये सब चीज़ जानकारी ले रहे हैं, गुना से कैसा प्रत्याशी हो, बमौरी से कैसा प्रत्याशी हो, राजगढ़ से, राधोगढ़ से कैसा प्रत्याशी हो, चाचौड़ा से कैसा प्रत्याशी हो, ये सब समीक्षा बैठक ले रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आज गुना विधानसभा की समीक्षा बैठक है, जिसमें हम जो अभी हमने एक मॉडल तैयार किया हुआ कि हर मतदान केंद्र पर हम एक व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं, जिसको हम मंडल अध्यक्ष कहेंगे। मंडल अध्यक्ष के बाद हम बूथ प्रभारी बनाएंगे और बूथ के बाद हमारी बूथ समिति तैयार होगी। तो इस तरीके से हम एक संगठन पूरा बूथ की तरफ ले जा रहे हैं। तो आज उसी गुना विधानसभा की समीक्षा बैठक थी, और जैसा कि जानकारी है कि हमने 26 जून को भोपाल में 20 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, और 6 जून को कुछ और प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही है जिसको जारी किया जाएगा। तो अभी मैं आज गुना में हूँ, अभी 2 दिन बामोरी विधानसभा दौरे पर रहूँगा। तो लगातार लोगों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, मंडल अध्यक्ष जो हमारे नियुक्त हैं, जो हमारे बूथ प्रभारी, उनसे मैं लगातार चर्चा करूँगा, और जो भी कुछ रहेगा वो 6 तारीख को आपको बताऊँगा। झागर में विद्युत डीपी के ऊपर गिरी बिजली, नहीं हुई कोई जनहानि। बता दें कि आज झागर में हाट बाजार लगता है, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। विद्युत डीपी पर बिजली गिरने से आसपास की कई दुकानों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, पर कई लोगों की धनहानि जरूर हो गई। ऊपर से आया था एक छोटा सा सरिया, उसमें गिरा तो ऑटोमेटिकली इसके तीनों भेस उड़ गए। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जन आने कोई नहीं हुई। जन आने अचानक से आया है ना? हाँ, अचानक आया और एकदम तीनों जंपर उड़ गए। के बिजली गिरी? नहीं, महसूस तो हुआ था एकदम, ऐसा हुआ मतलब ब्लास्ट हुआ बड़ा सा। अच्छा, पूरे गाँव वाली आज इसके एरिया को मालूम चल गया होगा। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। मंदसौर में हुई घटना के विरोध में आज फिक्रे मिलत द्वारा कलेक्टर को दिए गए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मंदसौर में जो घटना हुई है, उसके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे कि समाज में एक संदेश जा सके कि बलात्कारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जो बच्चियों के साथ में जो बलात्कार हो रहा है उसको लेकर आज कलेक्टर महोदय को एक अपील की गई थी कि जिसमें बलात्कार के खिलाफ एक ठोस कानून बनाया जाए व इस्लामिक कानून लागू किया जाए, जिससे इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग सके। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए इस प्रस्ताव को केंद्र व प्रदेश राज्य सरकार में भेजा जाएगा। अगर आप डाकघर या विद्युत विभाग में एलईडी बल्ब खरीदते हैं तो अपना बिल संभाल कर जरूर रखें।
बड़े पोस्ट ऑफिस में जहाँ एलईडी बल्ब बेचे जा रहे थे उन्हें खराब होने के बाद वापस नहीं लिया जा रहा। आपको बता दें कि एलईडी बल्ब की गारंटी 2 साल से ज़्यादा होती है, फिर भी ये वापस नहीं लिए जा रहे। जब हमने जो लोग एलईडी वापस करने आए थे उनसे पूछा कि आपकी एलईडी वापस क्यों नहीं ली गई, तो उनका कहना था कि डाकघर वालों ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से एलईडी बल्ब नहीं लिए गए। उनका कहना है कि इस कंपनी के एलईडी यहाँ से नहीं बेचे गए। अब ये समझ में नहीं आता कि डाकघर में अलग अलग कंपनियों के एलईडी बॉक्स रखे हैं, तो फिर ये बहाना डाकघर वाले क्यों लगा रहे हैं कि ये एलईडी बल्ब हमारे यहाँ से नहीं बेचे गए। चार के अलावा वो नहीं ले जा रहे, वो छांट के रख जाते हैं, तो वो ऐसे ही रखी रहती हैं हर बार। कर रहे हैं या कहते हैं किसान आदमी है यार, आज ही कर जाओ। आप इतने टाइम पे आना सर, इतने टाइम पे आ जाए तो कहने लगे अलग कंपनी के हैं। उधर बिजली विभाग गया तो उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस होंगे चेंज, बल्ब ने नहीं बदले खराब हो जाते। क्या बोल रहे किसान आदमी है, बच्चे कके थे यहाँ से ले गए। अब बिल से आपने कहाँ से लिए थे ये बता? यहीं से तो लाए हैं, पोस्ट ऑफिस से। हाँ वो और कहाँ से लाएंगे? बिल कहाँ है फिर उसका? बिल ने गिराया था, बिल ने मोड़ा मोड़ा। अच्छा तो अब वापस नहीं करे? वापस नहीं कर रहे। क्या बोलते हैं वापस करने आते हैं? ये हमारे बिल नहीं है, वो तो फेंक दी। विद्युत मंडल पहुँचे आप, डाक घर जा। गलत बोलते हैं क्या? हाँ गलत ही तो बोल रहे हैं, कहीं हमारे नहीं है, तुम दुरुपयोग कर रहे हो या ले ले कर जाते हो। आप बता रही कि ये बल्ब तो समय से पहले ख़राब हुए हैं और मैं बिजली विभाग गया वहीं से दिए थे, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं पोस्ट ऑफिस वाले यहाँ वहाँ नहीं रहे, तो आप पोस्ट ऑफिस जाके जमा कर दीजिए। कल भी आया पानी बरस रहा था उस टाइम, तो कहने लगे अभी ये समय नहीं है, 4-3 बजे तक देते हैं। मैं 4 बजे से आया था और अब आया हूँ तो ये कह रहे हैं कि अलग कंपनी के हैं, अब नहीं होंगे चेंज, ये कंपनी हमने दी नहीं, जबकि हमने इन लोगों से ही लिए है, पर्चा देख लो ये। अपनी जमीन पर हो रहे कब्जे के विरोध में फतेहगढ़ के पारसी खेड़ा निवासी ज्ञापन देने पहुंचे एसपी कार्यालय। कृषक का कहना है कि वह अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहा, उसकी जमीन का सीमांकन एवं नामांकन दोनों ही हो चुका है, फिर भी कुछ लोग उसको उसकी जमीन पर फसल बोलने नहीं दे रहे। समस्या ये है कि मेरी ज़मीन ग्राम चक पारसी खेड़ा, जिसकी कि ये तीनों पासबुकें तैयार हैं, जिसका कि बंटवारे का केस सिविल कोर्ट से मैं जीता हुआ हूँ, 3-3 डिग्रियाँ मेरे पास हैं, चौथा हाई कोर्ट का स्टे है, और डिग्रियों के बावजूद 20 बीघा ज़मीन पर नायब तहसीलदार ने और पटवारी ने मिलकर अवैध रूप से नामांतरण दूसरी पार्टी के नाम किया, और जो ज़मीन में जो निर्विवादित ज़मीन थी उसका 21/5/2018 और 22/5/2018 को सीमांकन किया गया। सीमांकन करने के बाद उसकी मैटबंदी हुई और पुलिस की निगरानी में उसका कब्जा मुझे प्राप्त हुआ, जिसकी मैंने हकाई जुताई करके अब तक खेत अपना तैयार किया। खेत तैयार करने के बाद मैंने उसमें सोयाबीन की बिजाई की। बिजाई करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने किसी बड़े मंत्री का फोन करवा के दबाव डलवा के प्रशासन पर और ज़बरदस्ती मेरी बिजी बिजाई सोयाबीन पर दोबारा से ट्रैक्टर चलवा दिए, उसके सीमा चिन्ह मिटवा दिए और मुझे घेर कर बहुत बुरी तरह से खींचातानी की। लात भूसे से भी उन्होंने, वो कौन है जिनने करवाया है? वो है हरिओम धाकड़, पुत्र सत्यनारायण छबड़ा, निवासी छबड़ा, और मुकेश धाकड़, पुत्र सुरेश, निवासी छबड़ा।
शीतरलाल निवासी अजरोड़ा और बलजीत सिंह मां मिस्त्री अजरोड़ा, इन्होंने राजस्थान से 25 बदमाशों को लाकर 6 ट्रैक्टर लाकर मेरे अकेले पर चारों तरफ से घेराव करके हमला किया। यदि गांव वाले बीच बचाव में नहीं आते तो मेरी मुझे जान से खत्म कर देते उस दिन ही। मैंने FIR दर्ज करवाई है। करवाई है? हाँ जी करवाई है। वकील के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज गुना अधिवक्ता संघ पहुंचा SP कार्यालय। SP से मांग की गई कि जिन लोगों ने एडवोकेट राजेश जाटव एवं उनके परिवार के साथ मारपीट की उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए एक प्रकरण राकेश जाटव की मारपीट है, उसके परिवार के साथ मारपीट हुई है, वो एडवोकेट है। उनके द्वारा अपनी ज़मीन का सीमांकन 2 बार कराया गया, तहसीलदार से भी कराया गया, SLR से भी कराया गया, सन 2007 और 8। उनके घर पे और परिवार के उनकी प्रॉपर्टी को फिर कब्जा करने के लिए और उनकी मारपीट करने के लिए कुछ 10-15 लोग इकट्ठे हो गया। कानून ये कहता है कि IPC की धारा 96, 97 और 100 कि हमें अपनी संपत्ति को और अपनी जान की सुरक्षा का अधिकार है। यदि हमारा सीमांकन हो चुका है, हम अपनी प्रॉपर्टी पर काबिज हैं और पड़ोसी लोग यदि ज़बरदस्ती कब्जा करने आए और फिर भी पुलिस हम अपनी प्रॉपर्टी पर अपनी बचाव खुद की जान की बचाव के लिए और खुद की प्रॉपर्टी के बचाव के लिए यदि सामने वाले की चोट आ जाती है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारा इंटेंशन उनको मारना नहीं था बल्कि हमको अपना शरीर बचाना था, अपने परिवार को बचाना था और अपनी प्रॉपर्टी को बचाना था। परंतु पुलिस द्वारा हमारे खिलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, FIR की गई है, वो कानून गलत है, तो उसका तो खात्मा लगना ही चाहिए, जिसका अपराध क्रमांक 434/2018 है। और हमारा जो 433/2018 उसमें एक महिला के सिर में 10 टाँके आए हैं, तो हमारी ये मांग है कि कम से कम 307, क्योंकि इंटेंशन उनका हमारे जान से मारना है था। एक आदमी का हाथ टूट गया, 15 जो लोग मारने आए हैं, तो इंटेंशन से जान से मारने का था। और इस तरीके वकीलों पर इस तरीके के अपराध होते रहेंगे तो अभिभाषक संघ चुप रहने वाला नहीं है। अभिभाषक संघ को अपनी बात कहने का भी हक है, कानून तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं, प्रतिवाद रूप दिवस के रूप में मना सकते हैं। सकतपुर के पास मिली एक बालिका जिसे 100 डायल की मदद से चाइल्ड लाइन पहुंचाया गया। बालिका अपना नाम अनु बता रही है, पिता का नाम महेश एवं माता का नाम देवकी, जबकि बालिका अपने घर का पता बताने में असमर्थ है। चाइल्ड लाइन द्वारा उसके परिवार को खोजना शुरू कर दिया गया है। बालिका कुछ लोगों को सकतपुर के आसपास पुलिया पर मिली, इसके बाद उन्होंने 100 डायल को सूचना दी। 100 डायल से अभी 10 मिनट पहले ही बच्ची को छोड़कर गए हैं। बच्ची अपना नाम अनु बता रही है, पिता का नाम महेश और माता का नाम देवकी बता रही है, पर अपना पता कुछ नहीं बता पा रही है। अब बच्ची को ढूंढने का प्रयास करते हैं हम लोग। थानों पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दे दी गई है, जैसे ही बच्चे का परिजन वगैरह मिलते हैं तो बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बाद परिजनों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। छात्र संघ DSO द्वारा मंदसौर की घटना के विरोध में कलेक्टर को दिया गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साल की एक बच्ची के साथ स्कूल से लौटते समय जो मतलब एक आरोपी द्वारा अपहरण करके और उसके साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, तो उसको मारकर झाड़ियों में फेंक दिया। तो इस तरह की और भी तमाम जो पूरे देश भर में और देश और प्रदेश में भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी घटना किसी बच्ची के साथ ना हो, इसलिए हम इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। मध्य
प्रदेश के होमगार्ड में भर्ती अभ्यर्थियों को किया अनफिट घोषित। आपको बता दें कि होमगार्ड में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को इसी माह 2 तारीख को मेडिकल हुआ था, जिनमें ज्यादातर को फिट घोषित कर दिया गया था, लेकिन 5 तारीख को दूसरा आदेश आने के बाद इन सभी मेडिकल में पास अभ्यर्थियों को अनफिट घोषित कर दिया गया, जिससे निराश होकर ये सभी आज जिलाधीश कार्यालय पहुँचे। उन्होंने बोल दिया ना ओवर से बढ़ाना, उसके बाद ही वो तुम लोग करा ना, तुम लोगों को परमानेंट किया जाएगा। हम लड़वा उन्ना भाई जी कितने चले आप मेडिकल में? ये दिक्कत आ रही है कि अभी 2 तारीख से हमारा मेडिकल होना था, 2 तारीख को मेडिकल हो गया, उसमें सभी लड़के योग्य पाए गए हैं, सिविल सर्जन ने बकायदा साइन करे उस पर। उसके बाद 5 तारीख को ऑफिस से लेटर जा रहा है कि नहीं 6x6 होना चाहिए, जबकि इन लोगों ने पहले जो बोला था पुलिस और एसएफ की गाइडलाइन पर मेडिकल होना चाहिए, इसके बाद इनके पास कोई लिखित में आदेश नहीं था। उसके बाद लड़कों को ये अनफिट कर रहे हैं, अलग से भेज रहा है 6x6 लड़के कहाँ से आएंगे, और डॉक्टर खुद बोल रहा है 6x6 कोई नहीं है यहाँ पे। कितने लोगों की भर्ती? 170 लड़के थे गुना के, उनमें से 53 को भरे ऑफिस के हिसाब से, अगर जो लेटर भेज रहा है उसके हिसाब से 53 लड़के तो ऑलरेडी अनफिट हो चुके हैं। अब सर आप श्रीमान जी सर, हम ये निवेदन करने आए जिस नियम से 2 तारीख को मेडिकल हुआ है उसी आधार पर मेडिकल कर दिया जाए बस। पुलिस और एसएफ की गाड़ी, पुलिस और एसएफ में 6x9 और 6x12 चल रहा है। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।